पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक किरण महेश्वरी का कोरोना के चलते निधन हो गया। इस पर बीजेपी नेताओं ने अपनी संवेदना जाहिर की है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि किरण महेश्वरी का निधन बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति है। अपनी कार्यकुशलता से महिला विंग में संगठन को मजबूत करने का काम उन्होंने किया, तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी महेश्वरी के निधन पर शोक जाहिर किया। भारतीय जनता पार्टी को और विशेष करके महिला विंग का जो राजस्थान में उसने अध्यक्ष रूप में जो वर्किंग खड़ा किया, वो हमारी चेयरमैन भी रही बैंक की, नगर पालिका की सभापति रही, एमपी रही, 3 बार एमएलए रही, प्रदेश की महिला विंग की अध्यक्षा रही, राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष रही, और वास्तव में उसने अपनी कार्यकुशलता के कारण से भारतीय जनता पार्टी को महिला विंग में एक बहुत सशक्त संगठन खड़ा करने में सफल हुई, और उसका इस समय जाना पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ। राजस्थान की राजनीति में और मेवाड़ की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति है। सांसद के रूप में, राज्य के मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य और हमेशा सिद्धांत की राजनीति में अड़िग रहने वाली एक बहुत बड़ी नेता का चला जाना निश्चित तौर पर एक क्षति है। भारतीय जनता पार्टी को क्षति है और यह स्थिति की पूर्ति होनी मुश्किल है। मुझे याद आ रहा है जब वो कोरोना से संक्रमित हुई थी, उसमें कोटा में नगर निगम में के चुनाव में मेरे साथ काम कर रही थी। तबीयत कुछ नासाज होने के पश्चात भी अपने काम में डटी रही और उसके बाद हमारे आग्रह पर उन्होंने कार्य बंद करके वापस राजसमंद जाकर अपना टेस्ट कराया।